वंस अगेन और आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं कुछ डिफरेंट स्टफ लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सारा मैटरनिटी वियर स्टफ और प्री एंड पोस्ट दोनों ही टाइम पे प्रेग्नेंट लेडीज पहन सकती हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग से ये स्टफ आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहला जो मैटरनिटी गाउन है वो ये कुछ कलरफुल सा और काफ़ी प्यारा सा गाउन है और कलर भी इसका काफ़ी प्यारा सा है, मस्टर्ड सा कलर है और पूरा फ्लोरल प्रिंट वाला ये बेसिकली गाउन है। मैं पहले आप लोगों को ओपन करके दिखाती हूँ। सो ऐसा सा कुछ इसका लुक है। यहाँ पे साइड में इन्होंने टाई करने के लिए थ्रेड्स प्रोवाइड कराई हैं, सेम फॉर दिस साइड। यहाँ पे भी इन्होंने टाई करने के लिए थ्रेड्स प्रोवाइड कराई हैं और सबसे अच्छी बात यहाँ पे इन्होंने चेन का सेक्शन प्रोवाइड कराया है जिससे आप इजीली यहाँ से ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं और दोनों ही साइड में चेन्स प्रोवाइड कराई गई हैं। अगर मैं बात करूँ इसके मटेरियल की तो बहुत ही प्योर कॉटन वाला मटेरियल है इसका और काफ़ी प्यारा सा मटेरियल है, स्पेशली फॉर समर काफ़ी प्यारा सा एंड काफ़ी कम्फी सा ही मटेरियल है और पहनने वाले इसका लुक भी बहुत प्यारा आता है और प्रेग्नेंट वुमेन्स इन्हें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी पहन सकती हैं और आफ्टर प्रेगनेंसी भी पहन सकती हैं, दोनों ही टाइम पे बहुत ही यूजफुल है ये और काफ़ी लुक वाइज भी बहुत प्यारा है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ घर में वियर कर सकते हो, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तब भी आप इसको वियर कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ इसके प्राइस की तो इसका प्राइस भी इतना ज़्यादा नहीं है, इसका प्राइस भी मैं आप लोगों के लिए मेंशन कर दूंगी और इसका लुक भी आप लोगों के लिए डाल दूंगी तो उससे और अच्छे से आपको आइडिया लग जाएगा कि पहनने के बाद इसका लुक कैसा आता है। काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस इसमें आप लोगों को मिल जाएंगे, ग्रीन, पिंक, ब्लैक और बहुत प्यारे प्यारे से फ्लोरल प्रिंट वाले इसमें कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इसका कोड मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी तो वहाँ से जाके आप लोग भी चेक कर पाओगे। सा कुर्ता है और ये भी लुक वाइज काफ़ी प्यारा लग रहा था पहनने के बाद। पहले मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा देती हूँ इसका लुक। सो बैक से कुछ ऐसा लुक है इसका, फ्रंट से कुछ ऐसा लुक है। 3/4 इसमें स्लीव्स दी गई हैं और फ्रंट से भी लुक काफ़ी प्यारा है, ये स्टोन वर्क दिया गया है यहाँ पे और बैक से ये टाई करने का इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो इसको। अगर मैं बात करूँ इसके मटेरियल की तो ये कॉटन मटेरियल है, ये भी काफ़ी कम्फी सा मटेरियल है और पहनने के बाद इसका लुक भी बहुत प्यारा आता है। इसका लुक मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगी तो उससे और अच्छे से आपको आइडिया लग जाएगा कि पहनने के बाद इसका लुक कितना प्यारा आ रहा था। अगर आप चाहें तो इसको लेगिंग के साथ भी वेयर कर सकते हैं, सिंपली विदाउट लेगिंग भी इसको वेयर कर सकते हैं या फिर आप इसको प्लाजो के साथ भी वेयर कर सकते हो और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ घर में आप पहन सकते हो, अगर आप कहीं बाहर भी अगर जा रहे हो, मार्केट एरिया में कहीं जा रहे हो तब भी आप इसे वेयर कर सकते हो, काफ़ी प्यारा सा इसका लुक आता है। इसका कोड भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, इसमें भी 2-3 कलर ऑप्शंस अवेलेबल थे तो आप लोग भी कोड से जाके चेक कर पाओगे इसके कलर्स। इसका प्राइस भी मैं आप लोगों के लिए मेंशन कर दूंगी। तो काफ़ी प्यारे प्यारे एंड काफ़ी कंफर्टेबल से ये कॉटन ड्रेसेस हैं स्पेशली फॉर मैटरनिटी पीरियड। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। सो नेक्स्ट जो कुर्ता है काफ़ी प्यारा सा ये कुर्ता है, कलर ही इसका इतना प्यारा लग रहा था लुक वाइज भी और पहनने के बाद भी इसका इतना प्यारा लुक आ रहा था और इसमें इतने प्यारे प्यारे और लाइट कलर्स अवेलेबल हैं कि आप लोग भी चेक करोगे तो हो सकता है कि आपको भी कोई ना कोई ऑप्शंस पसंद आ जाए। इसका मैं पहले आप लोगों को फ्रंट लुक दिखा देती हूँ। तो फ्रंट से कुछ ऐसा लुक है इसका, बैक से कुछ ऐसा लुक है। ये इन्होंने बैक साइड में टाई करने का ऑप्शन भी दिया है और इसकी अगर मैं बात करूँ स्लीव्स की तो 3/4 स्लीव्स है और यहाँ से इन्होंने हाफ इसको मोड़ा भी हुआ है
यहाँ पे इन्होंने चेन्स भी प्रोवाइड कराई हैं कि दोनों साइड चेन्स प्रोवाइड कराई गई हैं इसमें, इस साइड भी है और यहाँ पे बीच में इन्होंने बटन वाला पैटर्न दिया है। अगर मैं बात करूँ इसके मटेरियल की तो ये भी कॉटन मटेरियल है और काफ़ी प्यारा सा इसका मटेरियल है, पहने वक्त काफ़ी ठंडा ठंडा सा मटेरियल है इसका और इसका लुक भी बहुत प्यारा आता है पहनने के बाद। इसमें भी कई सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इसका कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, इसका लुक भी आप लोगों के लिए डाल दूंगी तो लुक से और अच्छे से आपका आइडिया लग जाएगा कि पहनने के बाद कितना प्यारा इसका लुक आता है। इसको भी आप सिंपली एज इट इज़ भी वेयर कर सकते हो या फिर आप इसको लेगिंग के साथ पेयर कर सकते हो, प्लाजो के साथ भी पेयर कर सकते हो, तो आपको तीन चॉइसेस मिल जाती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी इसको पेयर कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ इसके प्राइस की तो इसका प्राइस सिर्फ 440 था, सो आई डोंट थिंक सो कि 440 में ये कुछ कॉस्टली था। ये दोनों ही ड्रेसेस सेम ही पैटर्न की है, दोनों के मटेरियल भी कॉटन है और मैं ये वाली ड्रेसेस तो डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगी। दोनों में ही बहुत प्यारे प्यारे से कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो आप लोग भी एक बार चेक जरूर करना, हो सकता है कि आपको भी कोई ना कोई पसंद आ जाए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ। तो नेक्स्ट जो है वो ये नाइट ड्रेस है और मैं ओपन करके दिखा देती हूँ पहले आपको। तो पहला ये है, कुछ पर्पल कलर का शेड है इसका। इसका मटेरियल कुछ सॉफ्ट वाला मटेरियल है, आई थिंक ये सैटिन मटेरियल है। और इसके साथ जो पेयर में दूसरी ड्रेस मिली है वो ये है, दोनों में ही यहाँ पे चेन्स प्रोवाइड कराई गई है इस साइड भी एंड इस साइड भी। काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी स्ट्रेचेबल सा ये मटेरियल है, आप आई थिंक काफ़ी कंफर्टेबल रहोगे और काफ़ी प्यारा सा मटेरियल, सॉफ्ट सा मटेरियल है। अगर मैं बात करूँ इसकी कॉस्ट की तो 570 में दोनों पेयर्स में मिली है। इसमें भी कई सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल थे तो आप लोग भी जाके चेक जरूर करना, मैं इसका लुक भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दूंगी तो आपको लुक से और अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि पहनने के बाद इसका लुक कैसा आ रहा था। इसका कोड भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी तो वहां से जाके आप लोग भी चेक कर पाओगे। जो ड्रेस है वो एक नाइट सूट है और काफ़ी प्यारा सा ये नाइट सूट है। बेसिकली ये अनारकली पैटर्न वाला नाइट सूट है। इसका लुक मैं आपको दिखाती हूँ पहले। सो ये इसका कुछ फ्रंट लुक है, ये इसका बैक से लुक है और इसका जो बॉटम है वो भी काफ़ी प्यारा सा बॉटम है। ये बैक से इसका कुछ लुक है। बॉटम में बेसिकली इन्होंने यहाँ पे टाई करने के लिए, आप अपने अकॉर्डिंग इसको टाई भी कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो इजीली। और ये इसका अपर पार्ट है और काफ़ी प्यारा इसका लुक आता है पहनने के बाद। यहाँ पे इन्होंने गले पे डोरी दी है, आप इसको टाई कर सकते हो डोरी को। यहाँ पे इन्होंने चेन वाला ऑप्शन दिया है, दोनों ही साइड चेन प्रोवाइड कराई गई हैं। इसकी स्लीव्स 3/4 स्लीव्स हैं बेसिकली ये। अगर मैं बात करूँ इसके मटेरियल की तो ये भी कॉटन मटेरियल है और काफ़ी कंफर्टेबल सा मटेरियल है ये, और दोनों का कॉम्बिनेशन इतना प्यारा और इतना कंफर्टेबल सा है कि अगर आप भी वियर करोगे तो खुद आप भी मतलब फील कर पाओगे कि कितना कम्फी है और कितना सॉफ्ट इसका मटेरियल है और कितना कंफर्टेबल ये नाइट सूट है। इसमें भी कई सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल थे तो आप लोग भी जाके चेक जरूर करना एक बार, हो सकता है आपको कोई ना कोई कलर पसंद आ जाए। अगर मैं बात करूँ इसकी कॉस्ट की तो ये था सिर्फ 600 रुपीज़ का। इसका जो बेसिकली साइज ऑर्डर किया था वो
स्मॉल साइज ऑर्डर किया था। का लुक भी मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगी, तो लुक से और अच्छे से आपको आइडिया लग जाएगा कि पहनने का कितना प्यारा इसका लुक आ रहा था। ऐसा नहीं है कि आप इसे सिर्फ घर में वेयर कर सकते हो, है तो ये नाइट ड्रेस, बट अगर आप चाहो तो इसे बाहर भी वेयर कर सकते हो। काफी कंफर्टेबल और काफी प्यारा इसका लुक आता है पहनने के बाद। इसका कोड भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, तो वहां से जाके आप लोग भी चेक कर सकते हो। नाइट सूट है वो, ये कुछ पांदनी प्रिंट वाला नाइट सूट है और काफी प्यारा सा ये नाइट सूट है। स्पेशली इसका कलर बहुत ही प्यारा कलर है इसका, मुझे देखते सारे पसंद आ गया था इसका कलर। और इसका मटेरियल, इसका कॉटन मटेरियल है और काफी प्यारा सा और काफी कंफर्टेबल सा मटेरियल है। मैं इसका लुक आपको दिखाती हूँ, पहले फ्रंट से कुछ ऐसा लुक है इसका, बैक से कुछ ऐसा लुक है। ये इसका लोअर है, लोअर में यहाँ पे इन्होंने इलास्टिक वाला पोर्शन दिया है। बैक से कुछ ऐसा लुक है इसका और लोअर में यहाँ पे इन्होंने पॉकेट्स भी प्रोवाइड कराई हैं और साइड में इन्होंने टाई करने का, एडजस्ट करने का ये प्रोवाइड कराया है। इसमें सेंटर में नहीं है, साइड में इन्होंने प्रोवाइड कराया है। और लेंथ भी काफ़ी अच्छी दी गई है इसके लोअर की। और ये बेसिकली प्लाजो टाइप है, प्रॉपर पैंट नहीं है, प्लाजो सा कुछ है, कंफर्टेबल सा है, थोड़ा सा लूज भी है। अगर मैं बात करूँ इसके मटेरियल की, तो इसका जो मटेरियल है वो कॉटन मटेरियल है और काफ़ी कंफर्टेबल सा मटेरियल है ये। इसमें भी कई सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल थे, आप लोग भी अगर चेक करोगे तो हो सकता है आपको कोई ना कोई कलर पसंद आ जाए। बेसिकली ये मेहंदी कलर बहुत प्यारा लग रहा था और पहनने के बाद भी इसका लुक बहुत ही प्यारा आता है। इसका लुक भी मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगी, तो आप लोगों को और अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि पहनने के बाद कितना प्यारा इसका लुक आएगा। इसकी रेंज भी इतनी ज्यादा नहीं थी, आई थिंक 500 के अराउंड इसकी रेंज थी। रेंज आपके लिए रेट्स भी मेंशन कर दूंगी और इसका कोड भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप लोग भी वहां से जाके चेक कर पाओगे। तो ये थी कुछ मैटरनिटी वियर ड्रेसेस, काफी कम्फी से ये ड्रेसेस थी सारी की सारी। सबका लुक मैं आप लोगों के लिए डालूंगी, तो आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा। सब में बेसिकली सबसे अच्छी बात है कि चेन ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है, उससे बहुत कंफर्टेबल हो जाती है प्रेग्नेंट वुमेन का। तो काफी कंफर्टेबल सी ये ड्रेसेस है सारी की सारी। और काफी इनके, अगर मैं बात करूँ मटेरियल की, तो वो भी कॉटन मटेरियल है और बहुत कंफर्टेबल से मटेरियल है। और लुक वाइज भी बहुत प्यारा इनका लुक आता है पहनने के बाद। और मैं सबका लुक आप लोगों के लिए डालूंगी, तो लुक से हो सकता है कि आपको और अच्छे से आइडिया लग जाए। स्पेशली सारी ड्रेसेस समर वाली ड्रेसेस थी ये, जितनी भी मैंने दिखाई हैं आपको। और सबके कोड्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप लोग भी वहां से जाके चेक कर पाओगे। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। और मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी नई हॉल वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज धन्यवाद।